तो हम भी अब चलते हैं सीधा लेक के पास। ये दोनों बहुत ज्यादा थक चुके हैं पैडल मार के और बहुत ही ज्यादा पसीना पसीना हो चुका आ चुका है मेरी स्पेशल थाली। पेट कम करना पड़ेगा, जिम जाओ तब आएगा आपके पास। भैया ने लिए यहाँ से कपड़े, कपड़े, कपड़े लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12:30 बजे से और वो भी चंडीगढ़ से। तो जैसे कि आपको लास्ट ब्लॉग में पता लग ही गया होगा कि हम आ चुके हैं चंडीगढ़। हम आए थे फ्रेंड्स चंडीगढ़ 23rd of October और आज है 30 अक्टूबर। तो 23rd to 30 अक्टूबर के बीच फ्रेंड्स मुझे ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा क्योंकि रूम में इतनी सफाई थी करने को, सारे कपड़े धोने को थे, तो हम बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। और मुझे करवा चौथ की शॉपिंग करने का भी टाइम नहीं लगा। तो अब कल का दिन ही बचा है और परसों है करवा चौथ, तो आज मैं जा रही हूँ करवा चौथ की शॉपिंग करने। इस बार मेरा पहला करवा चौथ ही है, मैं इस बार ही रख रही हूँ फर्स्ट करवा चौथ, तो शॉपिंग तो बनती है। फाइनली अब हम निकल रहे हैं रूम से और मेरे साथ जा रहे हैं रोहित राहुल और मेरा भाई। मेरा भाई भी पिछले कल चंडीगढ़ आ गया था। तो ये देखिए पीछे राहुल और मेरा भाई बैठे हैं पीछे। तो ये दोनों भी चल पड़े हैं घूमने। तो फिर कैसा लग रहा है दोनों भाइयों को? ओके बिल्कुल है, ओके रिपोर्ट है ना। और रोहित कर रहे हैं ड्राइव। आजकल फ्रेंड्स चंडीगढ़ का वेदर काफी अच्छा हुआ है। यहाँ पे अक्टूबर और नवम्बर का वेदर बहुत मस्त होता है, बाकी दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा फॉग पड़ जाती है, बहुत ही ठंड होती है। तो जैसा हमारा पहाड़ों में मई जून का वेदर होता है वैसा आजकल यहाँ पे हो रखा है चंडीगढ़ में वेदर। तो अभी यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, एकदम चिल्ड वेदर है। तो इस वेदर का फ़ायदा उठाते हैं। मौन व्रत कर चुके हैं ये धारण दोनों। तो कुछ तो बोलो कैसा लग रहा है तुम्हारे को जाते बार? बहुत अच्छा लग रहा है, पहाड़ों का मौसम, ठंडी हवा चल रही है, हवा का मजा ले रहे हैं, ठंड का मजा ले रहे हैं, बर्फ पड़ रही है बाहर है ना। क्या पड़ रही है? बर्फ पड़ रही है बाहर, दिख नहीं रही है, हवा का मजा ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहां तक देख पड़े बर्फ था, जय भाई। तो फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं बाहर बर्फ पड़ रही है पर बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत धूप लगी है। अभी हम आए हैं सबसे पहले सुखना लेक। मैं और रोहित तो बहुत बार घूमे हैं यहाँ पर अपने भाई को घुमाने लाया है यहाँ पे। तो मैं और रोहित आए थे यहाँ पे गाड़ी पार्क करने और हमने गाड़ी पार्क कर ली है यहाँ पे। तो उन दोनों को परे ही उतार दिया था लेक के पास, तो हम आगे जाके आए थे पार्क करने गाड़ी को। तो अब चलते हैं सुखना लेक की तरफ। तो हम पहुँच गए हैं सुखना लेक के पास। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर गैदरिंग, यहाँ पर क्राउड हमेशा ही रहता है क्योंकि ये है टूरिस्ट प्लेस। तो हम भी अब चलते हैं सीधा लेक के पास, सबसे पहले बोटिंग करेंगे। तो ये देखिए गाइस ये दो गुमशुदा इधर बैठे हैं। तुम दोनों क्या कर रहे हैं? नज़ारा ले रहे हैं, नज़ारा ले रहे हैं। क्या करेंगे? स्विमिंग, सिंगिंग, सिंगिंग। सबसे पहले बोटिंग करने के लिए हमें यहाँ से बनाना होगा एक कार्ड। तो वहाँ पे रोहित लाइन में खड़े हैं वेटिंग में, तो यहाँ से हमारा कार्ड बनेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा कार्ड बन चुका है बोटिंग के लिए। फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए हैं बोटिंग करने लेक में। तो मैं और केके बैठी है पीछे, ये दोनों बने हैं हमारे ड्राइवर पैडल मारने वाले। गाइज आर यू इंजॉइंग? तो फ्रेंड्स केके से पूछते हैं कि इन्होंने पहले बोटिंग किया नहीं की? नहीं जी बिल्कुल नहीं। मैंने और रोहित ने तो पहले भी करी है और मेरा भाई भी, इसका भी आज फर्स्ट एक्सपीरियंस है। दोनों से पूछते हैं कि इनका फर्स्ट टाइम है और भाई है, मेरे भाई का तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही आज फर्स्ट टाइम बोटिंग का, और रोहित तो पहले, में और रोहित तो करते रहते हैं। चलो 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 नीचे में डुबा देना तुमने गड्डी, लुंगी डांस है, सीट बेल्ट पेटिया बंद चुकी है, अब डूबने के लिए भी तैयार है। फुल मजे ले रहे कि नहीं ले रहे? देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्या जैसे हमारे ड्राइवर चलाएंगे हमें कहाँ तक पहुँचाएंगे भाई। हरियाणा रोडवेज लाइन
इसे कुछ नहीं है, इसे बस यही है। पैडल तुम दोनों मारेंगे, ड्राइवर है, हम तब सीखने वाले, लर्निंग लर्निंग ड्राइवर। यहाँ से परे नहीं जा सकते। हमारे साथ है बहुत सारे लोग। इन दोनों के हो चुके हैं पसीने से बहुत ही ज्यादा बुरियाल, बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग पड़ रही है दोनों को। तो ये देखिए माथे में पसीना ही पसीना, और बहुत ज्यादा थक भी चुके हैं ये दोनों पैडल मार के। इसमें सारा वर्क लेग्स का ही है, तो बोल रहे हैं कि टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो गई है। और जो पहलवान बंदा है वो बिठाया है यहाँ पे। और गाइस जो पहलवान बंदा है हमारे बीच, जो 80 किलो का बंदा है, वो बैठा है यहाँ मजे से। ये बिल्कुल मजे से चले हैं। और जो पतले पतले बेचारे, ये तो चलो पीछे वाले मोटे हैं, इधर पतला बंदा, ये यहाँ पे पैडल मार रहा है जोर जोर से। और गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है ऊपर सिर के ऊपर। और चले जाओ भाई पीछे पैडल मारने। तो हम बोल रहे हैं के को कि आप जाओ पैडल मारने, पर बंदा यहाँ से हिल ही नहीं रहा है। क्या तुम रिस्क लेने को तैयार है? क्या पहना है आपने? तो गाइस के बोल रहा है कि जो इन्होंने वियर किया है बाहर से, ये तो ये इसका वेट है कम से कम 25 kg। तो बंदा कहाँ से हिचलाएगा जितना? तो के बोल रहा है कि जितना चावल का कट्टे का वेट होता है उतना तो हमने बाहर से ही पहना है। उफ पसीना तो बहुत पड़ गया। तो फ्रेंड्स गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है, ये देखिए स्वेटिंग पसीना पड़ रहा है। और यहाँ पे सूरज इतना चमक रहा है, इतनी तेज किरणें पड़ रही है। ये हमारा घर होगा। अब टाइम हमारा हो चुका है ओवर, तो अब वापिस चलते हैं। तो पूछते हैं इनसे पीछे, तो बताओ भाई गाइस क्या हो रहा है तुम्हारा? बस क्लोजिंग है हमारा, 5 मिनट रह गए। तो फ्रेंड्स ये दोनों बहुत ज्यादा थक चुके हैं पैडल मार के, और बहुत ही ज्यादा पसीना पसीना हो चुके हैं। और गर्मी भी यहाँ पे सुखना लेक में बहुत ज्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि सूरज सर के ऊपर ही बैठा है, बहुत तेज सूरज की किरणें पड़ रही है फेस पे, और पसीने से बहुत बुरे हाल हो गए हैं। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। तो अब चलते हैं वापिस। कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस? जबरदस्त। हम आ चुके हैं लेक से बाहर, और हमारी बोटिंग भी हो गई है डन। और पैडल मारने वाला था ये, और इसके खून पसीने की कमाई दिख रही होगी। ये देखिए बाल भी पूरे गिले हुए हैं पैडल मार मार के। तो फ्रेंड्स हमें मिला था 30 मिनट्स का टाइम बोटिंग के लिए, और हम टाइम में ही आ गए वापस। तो अब चलते हैं यहाँ से। अब फ्रेंड्स करते हैं फोटोशूट थोड़ा बहुत और घूमते हैं। वो एक शख्स गया है वहाँ पे लेक में कूदने, सुसाइड करने। तो अकेले कुछ कहना चाहते हैं कि मत डूब यार, अभी शादी भी नहीं हुई। लड़की ने धोखा दिया है प्यार में, लड़की ने दिया है प्यार में धोखा। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा फोटो शूट भी हो चुका है, और मेरी एक दो रील भी बन चुकी है। तो अब लग चुकी है बहुत ज्यादा भूख, तो चलते हैं सबसे पहले अब खाना खाने, उसके बाद जाएंगे शॉपिंग करने। तो फ्रेंड्स अभी आगे हम 19 सेक्टर भोपाल में जा रहे हैं खाना खाने। मेरा खाना तो आ चुका है, मेरी स्पेशल थाली। फाइनली हमारा खाना पीना हो चुका है डन। घूमने फिरने यही तो स्टाइल है बाबूराम का। तो फ्रेंड्स हम आए हैं 12:30 बजे के मार्केट, और अभी बजे हैं शाम के 4, और हमने अभी शॉपिंग के नाम पे एक भी चीज नहीं खरीदी है। 10-12 दिन है हमारे शॉपिंग हो जाएगी। के बोल रहा है कि 10-12 दिन अभी हमारे पास है, आराम से करते रहेंगे। पर मेरी शॉपिंग इम्पोर्टेंट है करवा चौथ की, तो मैं भी भगवान के भरोसे चली हूँ। कल का दिन ही रह गया और अभी मेरी कोई भी तैयारी नहीं हुई है। अभी हम जा रहे हैं 19 मार्केट के सदर बाजार में अंदर, तो यहाँ से कुछ देखते हैं। तो ये है सदर बाजार की बाहर रेडी मार्केट, इधर बहुत ही सस्ता सामान मिलता है बाहर है। यहाँ मिलेगा आपको 100 के 5 100 के 6 ही ले लियो। तो फ्रेंड्स ये 3 है यहाँ पे अभी वेटिंग में, इन्होंने करनी है इस शॉप से शॉपिंग।
इस शॉप में सबसे पहले देख रहे हम मेरे भाई के लिए जीन्स, बहुत सारी जीन्स देखने के बाद फाइनली लास्ट में एक उसने सिलेक्ट कर ही दी। तो फ्रेंड्स हमारी पहली शॉपिंग हो गई है डन, भैया ने लिए यहाँ से कपड़े, कपड़े, कपड़े लिए। तो अब अपना देखते हैं कुछ यहाँ पे। रोहित देख रहे हैं अपने नई जैकेट, ये आपके पास टाइट है भाई, पेट कम करना पड़ेगा पेट कम करना पड़ेगा, जिम जाओ तब आएगा आपके पास। यहाँ पे मेरे भाई का जैकेट तो हो गया है डन, पर रोहित को साइज फिट नहीं बैठ रहा है तो उन्होंने वो छोड़ दिया। अब फ्रेंड्स फाइनली हम चल पड़े हैं रूम की तरफ, चलो निकालो पहले गाड़ी। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और अब जाके हम फ्री हुए, एक ही बंदे की शॉपिंग हो पाई आज भाई की। तो अभी पैसे खर्च के कैसा लग रहा है भाई? बड़ा नंगा कर दूंगा आगे पैसे खर्च के, अब इनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, ये अब सदमे में, अब इनको सदमे से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब चलते हैं डायरेक्ट रूम, अब बाकी की शॉपिंग कल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आजकल हर मार्केट में फेस्टिवल वाइब्स है, दिवाली भी आने वाली है और कल से परसों तो करवा चौथ भी है, तो लाइटें लग चुकी है बाजार में, रौनकें लग चुकी है फेस्टिवल वाइब्स की। अब हम चल पड़े हैं वापस घर की तरफ और जैसे ही गाड़ी में लगे पहाड़ी गाने तो हमें हो गया पहाड़ी नाटी का नशा। ये है अपना पहाड़ी स्वैग, हर कहीं दिखता ही है। तो हम जा रहे हैं डांस करते करते घर और बहुत इंजॉय करते करते, ये दोनों आप देख ही रहे होंगे कितना नाच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने नशा किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पहाड़ी नाटी का नशा है। फाइनली हम पहुंच गए हैं रूम और अभी बज रहे हैं 6:30। सब बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुकी है तो इस ब्लॉग का भी करते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।